हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का थर्ड चैप्टर, हाउ मैनी स्क्वेयर्स। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें, आपको दो चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है। एक है आपका पेरीमीटर और दूसरा है आपका एरिया, और ये आपको किन की हेल्प से फाइंड आउट करनी है, स्क्वेयर्स की हेल्प से। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। सो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ अ बाउंड्री। लेंथ ऑफ अ बाउंड्री मतलब किसी भी चीज़ की अगर कोई बाउंड्री है सो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होता है आपका पेरीमीटर। अब जैसे मैंने ये चीज़ ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो है लेंथ अलग अलग होगी। यहाँ पर वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो गई। सो ये जो टोटल लेंथ होगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगा, पेरी मीटर। अब टोटल लेंथ का हमें कैसे पता चलेगा, हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, इन सबको हम ऐड करेंगे सो हमें जो है इनका पेरीमीटर पता चल जाएगा। 5 एंड 3 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16। सो कितना हो गया पेरीमीटर, हो गया इस फिगर का 16। सो जब भी हमें किसी चीज़ का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है जो उसकी बाउंड्री है, बाहर वाला जो उसका पार्ट है, उसकी हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, जैसे ये आपका कोई फिगर ड्रॉ कर दी यहाँ पर इन्होंने, और उसके अंदर जो है वो स्क्वेयर्स बना देंगे। अब आपको जो है बताना है कि इसकी जो है पेरीमीटर कितना है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, हमें पहले तो लेंथ एंड ब्रेथ इसकी चाहिएगी कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसकी जो है बाहर की बाउंड्री की लेंथ कितनी, तभी तो हम उनको ऐड करेंगे सबको। सो सबसे पहले वो हमें फाइंड आउट करनी है, और वो हम कैसे करेंगे, इन स्क्वेयर्स को काउंट करके। ये स्क्वेयर जो है हर एक 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का है, सो जितने स्क्वेयर्स हैं उतना ही सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ या ब्रेथ हो जाएगी। सो सबसे पहले हमें इन्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना, 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5, सो ये 12 और 12 12 24, सो 24 सेंटीमीटर आपका इस फिगर का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको जो है फिगर्स दी होंगी, उनके अंदर स्क्वेयर्स बने होंगे, आपको स्क्वेयर्स को काउंट करना है कि कितने स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, और फिर उन सबको ऐड कर देना है। अब इसके जो है फॉर्मूलाज भी होते हैं, देखो दो चीज़ें आपकी होती हैं, एक रेक्टेंगल हो गया, एक आपका स्क्वेयर हो गया, ठीक है। इनमें अब डिफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसके जो सामने वाली अपोजिट साइड्स है वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ये होता है आपका रेक्टेंगल, और ये होता है आपका स्क्वेयर। स्क्वेयर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या, 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं, सो डिफरेंस क्या है इनमें, इसकी जो है सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर एक साइड आपको दे दी गई 4 सेंटीमीटर, सो इसका मतलब है कि इसकी सारी साइड्स कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दे देंगे आपको। लेंथ आपकी दे दी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी दे दी 3 सेंटीमीटर। सो अब आपको जो है इसका एरिया, सॉरी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो अब देखो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। बाकी की दोनों साइड तो हमें नहीं पता, वो पता होंगी तभी तो हम उसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे ना। सो क्या होता है रेक्टेंगल में, ये साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स। अगर ये 3 है सो ये भी 3 होगी, ये 5 है तो इसकी अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें इन सबको ऐड करना है, तो अब हम करेंगे इन्हें ऐड,
फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री, इनको ऐड किया, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन, ठीक है, ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। अब इसका जो है एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, उसमें सबसे पहले तो ये देखो आपका आता है फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री, आपकी लेंथ भी दो बार आ रही है यहाँ पर और आपकी ब्रेथ भी दो बार आ रही है, दोनों चीज़ें आपकी दो दो बार आ रही हैं, तो वो क्या करते हैं, टू की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके, ठीक है, क्योंकि आपकी ये भी दो बार थी तो ये यहाँ पर लिख दिया, ये भी दो बार थी ये भी यहाँ पर लिख दिया और दो को जो है बाहर लिख दिया, मतलब दो बार इसकी लेंथ आ रही है और दो बार इसकी ब्रेथ आ रही है। सो अब आपको क्या करना है, इसको पहले ऐड करना है एट और फिर जो दो है उससे जो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, टू एट ज़ार सिक्सटीन। सो ये हो गया आपका पेरीमीटर, अगर आप वैसे ऐड करेंगे तो भी 16 आएगा और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो भी 16 आएगा। सो रेक्टेंगल का अगर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 6 होगी क्योंकि रेक्टेंगल है और वो भी 5 होगी क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो इसका जब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, सो 2 हो गया एज इट इज़ रहेगा, एल में आपको 6 डालना है जो उसकी लेंथ है, बी में आपको जो उसकी विड्थ है या ब्रेथ दी है वो डालनी है, दोनों को ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर का, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर उन्होंने ये नहीं दिया होता तो हम कैसे फाइंड आउट करते, तो वो इस तरह से जो है इसके अंदर स्क्वायर बनाते, 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जो है यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर इसकी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 जो इसकी विड्थ हो गई। सो इस तरह से आप इनका फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल का। अब दूसरा क्या आता है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर में आपको एक ही साइड दी होगी या तो इस तरह से आपके बना देंगे वो, ठीक है। अब आपको जो है इसे काउंट करना है, टोटल कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, हर साइड में कितना आ रहा है, ये 4 4 आपका आ रहा है, हर साइड में आपका 4 4 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें जब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, हमें इसकी हर साइड्स को ऐड कर देना जितनी भी साइड दी हुई है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सबको ऐड कर दिया, कितना हो गया 16। या फिर अब देखो रेक्टेंगल में क्या था, दो साइड इक्वल थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब इसमें कितनी साइड्स इक्वल है, चारों की चारों साइड्स इक्वल है, दो साइड इक्वल थी 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब चार साइड इक्वल है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से किसको, साइड को, जो इसकी एक साइड है, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो आप क्योंकि सारी सेम है, उसको जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आ गया 16, चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो सेम रहेगा। अब इसकी जगह दूसरा भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 and 4, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे कि कितने इसके अंदर स्क्वेयर्स बने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 है, मतलब सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो क्या हो गया ये आपका स्क्वेयर। अब स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर निकालने का, चारों साइड्स इक्वल है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, और किसकी, 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू साइड क्या है आपकी 5, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अब हमारा आता है उसके बाद में एरिया, ठीक है। अब या आपके सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होज साइड इज सिक्स सेंटीमीटर, ओके। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का जिसकी साइड कितनी है 6। अब स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एक हमें दे दी तो हमें पता चल गया बाकी भी कितनी होंगी, 6 6 होंगी, या तो आप 6 को 4 टाइम ऐड कर सकते हो। अब देखो ये आपका स्क्वायर होता है, मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, एक आपको पता होगी तो बाकी सब भी क्या होंगी, इक्वल होंगे।
तो हमें क्या करना है, या तो 4 into हम साइड कर सकते हैं या फिर हम चारों को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही रेक्टेंगल का आएगा तो उसमें आपको लेंथ एंड ब्रेथ दे देंगे, सो 2 into L+B वहाँ से हो जाएगा आपका। उसके बाद में आता है एरिया। अब एरिया का मतलब क्या होता है, हम वैसे ही एक ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे ये हमारी शेप क्या बनी, स्क्वायर बनी है या रेक्टेंगल बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। सो इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब हमने देखा था कि आपकी पेरीमीटर क्या होता है, जो आपकी बाहर की बाउंड्री दी हुई है उसको हम जब टोटल ऐड कर देते हैं उन सबको, तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। लेकिन हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है जो आपका अंदर का पार्ट है कि उसने कितना पार्ट जो है कवर किया। हमने कोई चीज़ ली, बुक ली या कोई भी चीज़ ली, उसको कहीं पर रखा, सो उसने कितने पार्ट को कवर किया है, कितना उसका एरिया, जो अंदर वाला पार्ट है ना इसका, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरा, ये कितना है ये आपको बताना है अभी। सो ये हम कैसे बता सकते हैं, अंदर जितने भी वो आपके दिए हुए हैं स्क्वेयर्स दिए हुए हैं उनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 47 48 49 50 51 52 53 54 4। तो ये हो गया आपका एरिया। अब इसमें देखो आपको क्या लिखना है, 54 स्क्वेयर सेंटीमीटर, यानी कि इसके अंदर कितने स्क्वेयर्स आए हैं आपके, 54 स्क्वेयर्स आपके यहाँ पर आए हैं। सो ये हो गया आपका एरिया, मतलब जो अंदर उसके कितने स्क्वेयर्स हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका एरिया हो जाएगा कि उस चीज़ को हमने कहीं पर रखा, जैसे आपने बुक ली, बुक को आपने अपने बेड पे रखा या अपने स्टडी टेबल पर रखा, सो कितनी चीज़ जो है, कितनी प्लेस जो है उसने वहाँ पर कवर की है, वो होता है एरिया। अब यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ कवर की, यहाँ पर स्क्वेयर्स को, इसने कितने स्क्वेयर्स को यहाँ पर कवर किया, कितने हैं, 54। सो ये हो गया इसका एरिया। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब भी आपको एरिया का निकालना है रेक्टेंगल का, ओके, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी दो साइड लेनी है, ठीक है, एक लेंथ और दूसरी आपकी ब्रेथ या विड्थ जो भी है वो, उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना। आप लेंथ कितनी है आपकी, 9, विड्थ कितनी है आपकी, 6, दोनों की मल्टीप्लाई की, कितना आ गया, 54, 9 6 54। सो यहाँ से भी वही आएगा, और अगर आप इनको काउंट करोगे तो भी आपका वही आएगा। अब ऐसा ही आपका स्क्वायर में भी होता है, 1 2 3 4 1 2 3 and 4, ठीक है। अब आपको काउंट करने हैं सबकी सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है ये 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर, क्योंकि इसने इतने स्क्वेयर्स को क्या किया है, कवर किया है। और जब भी आप लिखोगे, ठीक है, एरिया के लिए लिखोगे, तो आपको हमेशा स्क्वेयर सेंटीमीटर लिखना ही पड़ेगा, तभी वो आपका एरिया काउंट होगा। अगर आप सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हो तो वो आपका पेरीमीटर बन जाता है। सो जब भी आपको स्क्वायर लिखना है, सॉरी एरिया लिखना है, तो आप वो लिखोगे। अब ये देखो कि क्या ये इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सही है। अब पहले हमें साइड्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या किया था, रेक्टेंगल में हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमने किया था लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ये वाली और ये वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप ऐसे ही कर लो, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया 25, लेकिन इसमें करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, जब स्क्वायर का लिखते हैं तो साइड इनटू साइड लिखते हैं,
साइड इन टू साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी हर एक साइड इक्वल होती है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, सिर्फ साइड की ही मल्टीप्लाई करनी है, कोई भी दो साइड की आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसमें हम कोई भी दो साइड की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे इन दोनों की कर दो, चाहे इन दोनों की कर दो, या इन दोनों की कर दो, कोई भी दो साइड लेनी है और उनकी मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। सो कितना आ गया, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, क्यों, क्योंकि इनकी जो लेंथ थी वो किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। अगर इनकी लेंथ जो है अगर मीटर में दी होगी तो मुझे स्क्वायर मीटर लिखना पड़ेगा, मतलब जिसमें जो है उसकी जो अभी आपका फिगर है उसकी लेंथ दी होगी उतना ही उसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। सो अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी, दो चीज़ें पढ़ी हैं, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या था आपका, बाउंड्री थी टोटल, जो भी मतलब कोई भी आपकी अगर शेप ली उसकी बाउंड्री, बाहर वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या होगा, आपका पेरीमीटर होगा। इसका फॉर्मूला क्या था, अगर रेक्टेंगल पे आप जाओगे तो 2 × L + B, एन टू का मतलब मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। जितने भी आपके इसके अंदर स्क्वेयर्स होंगे उनको काउंट करो, मतलब उनसे क्या है आपको लेंथ पता चलेगी और ब्रेथ पता चलेगी, ठीक है। सो उनको फिर आपको ऐड कर देना। जब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, एल इंटू बी, जो आपको लेंथ और ब्रेथ दी है या तो उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसके अंदर जितने स्क्वेयर्स हैं उन सबको काउंट करो। जब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ हम ऊपर वाली रो को काउंट करते हैं, लेकिन जब हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी स्क्वेयर्स हैं टोटल सबको हम काउंट करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का, मैंने यहीं पर इसका एरिया लिख दिया है। दूसरा हमने पढ़ा था स्क्वेयर। अब स्क्वेयर का जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं सो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें दो साइड इक्वल थी तो दो से मल्टीप्लाई किया, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, कोई भी उसकी एक साइड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, तो क्या है, अंदर जितने भी स्क्वेयर्स हैं उन सब स्क्वेयर को काउंट करना है कि उसने कितने स्क्वेयर्स को अपने अंडर लिया है, कवर किया है, वो हमें करना है। सो इसकी आंसर है लेंथ इन टू ब्रेथ। और जब स्क्वेयर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, साइड इन टू साइड, यानी कि कोई भी दो साइड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करनी है उनकी कर लो, ब्रेथ ब्रेथ की करनी है उनकी कर लो, मतलब कोई भी दो साइड की आप स्क्वेयर वाले में मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपका एरिया आ जाएगा। या फिर सिंपल सा है, जो वहाँ पर दिए हुए हैं और जो उसके अंदर जितने भी स्क्वेयर्स बने उन सबको काउंट करो, जितने स्क्वेयर्स होंगे वो ही आपका आंसर होगा, 25 होंगे, 29 होंगे, 30 होंगे, जो भी होंगे वही क्या होगा, उसका एरिया होगा। ये हो गया। अब उसमें एक क्वेश्चंस और आ रहा है आपका जो चैप्टर है, इस तरह से क्या किया उन्होंने, इसके बीच में ट्रायंगल बना दिया। अभी देखो एक ट्रायंगल की शेप हो गई है, ये ट्रायंगल की शेप हो गई। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। अब रेक्टेंगल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। या फिर आप जो फॉर्मूला हमने किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया का फॉर्मूला यही है, लेंथ इन टू ब्रेथ। सो 8 × 2, 8 × 2 = 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका एरिया। सो क्या करेंगे हम, इसको करेंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, जो आपका रेक्टेंगल का एरिया आया हुआ है उसको आप हाफ कर देंगे। सो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो ही इसका होगा एरिया। तो ट्रायंगल में आपको ये करना है और बाकी उसके जो हमने फॉर्मूले सब कर लिए हैं। सो आज के लिए आपका